देश की राजधानी दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपट गई है। लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। शनिवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार में AQI 448 है, जो गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास 421 दर्ज किया गया है। नोएडा सेक्टर 116 में AQI 426 और नोएडा सेक्टर 62 में 428 है। प्रदूषण से हालात ये हैं कि लोगों को स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में गायब हो गई हैं, वहीं सूरज की रोशनी भी धीमी पड़ गई है। हालांकि आज यानी 4 नवंबर को दिल्ली में कल के मुकाबले वायु गुणवत्ता सूचकांक में अभी कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी ये गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और धुंध तो ऐसी है कि लोगों को लाइट जलाकर गाड़ी चलाना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान का कहना है कि प्रदूषण से राहत पाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। IMD के मुताबिक कम से कम 7 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रदूषण को कम करने के लिए मौसम की कोई अनुकूल स्थिति नहीं बन रही है। 7 नवंबर तक दिल्ली में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। रात और सुबह के समय हवा धीमी रहेगी और दिन के समय 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रदूषण की स्थिति तो बिल्कुल खराब लग रही है, एकदम धूल धूल छाई हुई है और कोई गले में भी चुभती है, आँखों में भी हल्की हल्की चुभती है। बहुत खराब है यहाँ की स्थिति। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा या क्या कुछ ज़्यादा बढ़ेगा? अब ज़्यादा बढ़ने की कम होने की तो पता नहीं, वैसे अभी तो फिलहाल तेज ही है। खूब खराब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। रोज मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ और आजकल जो हालत है उसमें तो निकलना मुश्किल है लोगों का, फिर भी कोशिश करता हूँ कि निकलूँ। लोग मास्क लगा के और सब चीज़ों करके निकल रहे हैं, जैसे भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। लोग मरते जाएं चाहे कुछ करें, सरकार अपने धुन में मस्त हैं। गले में खराश काफ़ी आ रही है और आंखों में जलन है, मेनली यही ज़्यादा परेशानी लग रही है। सब ये काफ़ी मतलब 2-3 दिनों से लग रहा है गला एकदम से ना खसखसाहट सा काफ़ी आ रहा है। सर्दी जैसे आने से पहले होती है उस टाइप की फीलिंग्स है। पॉल्यूशन तो बहुत बढ़ गया है और नवंबर स्टार्ट होते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि दम घुट रहा है। आने वाले दिन में क्या लग रहा है, बढ़ेगा या? लग तो रहा है कि और बढ़ेगा क्योंकि दिवाली आ रही है, लोग मानेंगे नहीं। क्या परेशानी? सही भाई लगता है और हैवीनेस फील होती है। यानी अभी दिवाली तक तो मौसम विभाग ने किसी भी राहत की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन दिवाली पर पटाखों के प्रदूषण से दिल्ली फिर जहरीली गैस चैम्बर में बदल जाएगी। तो इस तरह से अभी करीब आने वाले 15 से 20 दिनों तक दिल्ली NCR में प्रदूषण का यही हाल रहेगा। ऐसे में अगर बारिश होती है तो इसमें कमी भी आ सकती है, लेकिन बारिश की अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।